हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास फिफ्थ सोशल साइंस का चैप्टर सिक्स द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने चैप्टर फर्स्ट से लेके फाइव तक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि इतने कम समय में आपने इतने व्यूज़ दिए मेरी वीडियो को, 3000 प्लस 6000 प्लस, तो कुछ ही समय में आपने इतने व्यू दिए, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो मैं भी कोशिश करूँगा इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करवाऊँ वीडियो के द्वारा। कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में इजी ट्रिक के साथ, इजी डायग्राम के साथ, रेलिवेंट इमेजेस के साथ और क्रिएटिव वे से और सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, इतने व्यूज़ होने के बावजूद लाइक्स बहुत कम आते, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो वीडियो अच्छे लगे तो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इसके अलावा जो भी आपके सुझाव होते हैं वीडियो में, जो चाहते हो कि यहां से हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी तरह का भी आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। कहता है कि द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज द इक्वेटर रीजन। तो जो रीजन होता है इलाका, कहता जो इलाका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आ जाता है उसको इक्वेटरल रीजन बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेटर भूमध्य क्षेत्र जिसको बोल देते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारी होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये इक्वेटर है, सेंटर में हमारी इक्वेटर होती है, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाती है। ठीक है, जिसको हम कर्क रेखा बोल देते हैं। तो नीचे वाले जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाती है 23.5 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वाला ये वाला एरिया है ना, जो ये वाला, इस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटरल रीजन बोल देते हैं। इसका मतलब कि भूमध्य क्षेत्र बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो क्लियर है। तो दिस रीजन हैज ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो हॉट है और वेट है। ठीक है, हॉट और वेट है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लाइज इन दिस रीजन। तो कहता कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इस एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में DRC भी बोल देते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो उसको DRC भी बोल देते हैं। तो इसको मैप 6.1 में कहता है कि देखो। हाँ जी, तो ये हमारा मैप 6.1 आ गया, तो ये वाला हिस्सा आ गया इसमें। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में ये वाला अफ्रीका के जो बीच में है ये वाला हिस्सा आता है। हाँ जी, तो ये देख सकते हो ये वाला हिस्सा है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। हाँ जी, कहता है कि DRC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका में, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद नंबर वन पे बड़ी सबसे कंट्री कौन सी होगी, अल्जीरिया हो गया उसमें। अल्जीरिया के बाद जो अफ्रीका में, तो जो हमारी DRC है ये सेकंड नंबर पे आ जाती है। इट हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वेयर किलोमीटर। तो इसका टोटल जो एरिया है 23.5 लाख किलोमीटर है, स्क्वेयर किलोमीटर है। द इक्वेटर पास थ्रू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के नॉर्थ पार्ट से इक्वेटर निकलता है। इक्वेटर जो हमारी लाइन है जो हमारी धरती को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है, तो ये देखिए ये वाली है। ठीक है, ये दिखाई दे रही है ना, डॉटर डॉटर सी लाइन है, तो ये इक्वेटर है। तो कौन से हिस्से में से निकलती है, नॉर्थ पार्ट में से। तो ऊपर वाला हम हमेशा याद रखें, ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे हमारी साउथ आ गई। तो आपके राइट हैंड की तरफ कौन सी होती है, ईस्ट होती है, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होती है। तो ऊपर वाला हिस्सा है, तो यहां से ऊपर वाले हिस्सों में हमारे कौन सी लाइन निकलती है, इक्वेटर निकलती है इसमें। तो ठीक है, तो अब आ गया लोकेशन की बात कर लेते हैं। द कंट्री इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के बीच में स्थापित है ये।
इट इज सराउंडेड बाय 9 countries, तो इसको 9 countries ने चारों तरफ से घेर रखा है। सी मैप 6.2 में देखो कहता है एंड नेम दीज कंट्री, तो इन कंट्रीज को नेम दो आपने। हाँ जी, तो ये मैप है आपका, ये खुद आपने फाइंड आउट करना है। रिपब्लिक ऑफ कांगो ये आ गया इसके पास, कौन कौन सी इसकी चारों तरफ जो कंट्री है फैली हुई है, ठीक है, उनके नाम ढूंढने हैं आपने। हाँ जी, तो इस मैप के ऊपर देखो आपने जो जाम्बिया आ गया, ठीक है, तंजानिया आ गया, ठीक है, ये सभी के आपने नाम नोट करने हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, तो चारों तरफ से कौन कौन सी जो कंट्री ने इसको घेर रखा है। हाँ जी, तो लैंड की बात कर लें, कहता है कि लैंड रिवर कांगो द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, तो अफ्रीका की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबी रिवर है। फ्लो थ्रू द कंट्री, तो कंट्री के बीच में से जो फ्लो होती है बहती है। दिस रिवर इज नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, तो इस जो रिवर है इसको हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जानी जाती है जो रिवर है हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। तो द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसन, तो रिवर बेसन होता है कि जो नदियों द्वारा मिट्टी होती है उसके द्वारा बनाया हुआ एरिया, तो नदियों की घाटी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो नदियों द्वारा जो मिट्टी होती है उपजाऊ मिट्टी लाके एरिया सींचा जाता है तो उसको रिवर बेसन बोल देते हैं, नदियों की घाटी। तो कहता है कि द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसन, तो रिवर बेसन के सेंटर में है। विच इज अ वास्ट लो लाइंग एरिया, लो लाइंग एरिया नीचे वाला एरिया के लिए प्रयोग किया गया है, तो जो नीचे वाला एरिया है तो वो कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट, तो वो नीचे वाला एरिया जो इसका आ जाता है वास्ट, बहुत बड़ा नीचे वाला जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है, तो रेन फॉरेस्ट से वो कवर है। हाँ जी, आगे कहता है कि इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेटूस, तो माउंटेन और प्लेटूस से घिरा हुआ है। टूवार्ड द नॉर्थ ईस्ट लाइज द रेवेजोरी माउंटेन, तो रेवेजोरी माउंटेन की लड़ी है, रेवेजोरी माउंटेन है, ठीक है, तो इसके नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, रेवेजोरी माउंटेन आ जाता है। माउंट मार्गरीटा, तो जो माउंटेन मार्गरीटा है इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज, तो इस रेंज की लड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो लड़ी मैंने आपको पहले भी बताया था, एक माउंटेन के साथ दूसरा इस तरह ऊपर नीचे को बने होते हैं, ठीक है, जैसे ये एक माउंटेन उसके साथ है इस तरह, तो उस माउंटेन की रेंज बोल देते हैं उसको, ठीक है, तो इसमें जो हमारा है मार्गरीटा जो है इसमें हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी आ जाती है इस रेंज की। द कंट्री हैज 4 major lakes, तो इसमें 4 major जो लेक्स भी आ जाती है, मुख्य लेक 4 आ जाती है इसमें, जिसमें पहली है एल्बर्ट आ गई, ठीक है, तो दूसरी एडवर्ट आ गई, पहली एल्बर्ट दूसरी एडवर्ट, तो तीसरी कीव आ गई, कीवू, ठीक है, तो तीसरी कीवू आ गई, और जो चौथी है टंगनिका है, तो चौथी टंगनिका, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है इसको, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। हाँ जी, तो आ गया, दीज लेक्स लाइज अलोंग द सेंट्र ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री, तो कहता है ये वाली जो लेक है ना लाइज अलोंग, साथ में है सेंट्रल ईस्टर्न बाउंड्री जो है, तो कई ईस्टी बाउंड्रीज, ईस्टर्न साइड की बाउंड्री आ जाती है ना कंट्री की, उसके साथ में ये सारी लेक्स आ जाती है। हाँ जी, तो ये नीचे जो रिवर कांगो फ्लो थ्रू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री में से बहती हुई रिवर कांगो की पिक्चर है, तो ये फैक्ट वाइज भी क्लियर कर लेते हैं। कहता है कि रिवर कांगो ओरिजिनेट्स इन द हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट, तो रिवर जो कांगो है ना ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होती है हाईलैंड जो ऊंचे वाला एरिया है ईस्ट साइड पे, ईस्ट अफ्रीका, एंड फ्लो इनटू द अटलांटिक ओशियन, तो उसके बाद ये अटलांटिक ओशियन की तरफ बहती है और अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है। मींस की कांगो नदी पूर्वी अफ्रीका के हाईलैंड जो है वहां से निकलती है और अटलांटिक महासागर में बहती है, ठीक है। तो आगे कहता है कि द फेमस इनगा फॉल आर इन द लोअर कॉस्ट ऑफ द रिवर, तो निचले हिस्से पे इंगला फॉल भी है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध फॉल होता है झरना, ठीक है, तो इंगला फॉल एसी के नीचे वाले हिस्से पे स्थापित है, प्रसिद्ध जो झरना है। हाँ जी, हाँ जी, तो क्लाइमेट की बात कर ले, द कंट्री हैज एन इक्वेटरल क्लाइमेट होता है, कंट्री का इक्वेटरल क्लाइमेट है, हमने ऊपर देखा था मैप में कौन सा इक्वेटरल होता है।
इट इज वेरी हॉट एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर, तो ये सारा साल जो बहुत गर्म रहता है और सारा साल बारिश होती रहती है यहाँ पे. ह्यूमिडिटी इज हाई, तो ह्यूमिडिटी हवा में बहुत ज्यादा होती है. विच मेक इट अनकंफर्टेबल एट टाइम, तो कई बार जो कि है इसको हम अनकंफर्टेबल बना देती है, मींस कि असहनीय हो जाती है, जिसको सहन करना मुश्किल हो जाता है, तो हम अनकंफर्टेबल बनाती है इंसान को. ज्यादा नमी की मात्रा होती है हवा में जो. हाँ जी, आगे कहता है कि मॉर्निंग आर जनरली प्लेजेंट, तो मॉर्निंग जो होती है खासतौर पर प्लेजेंट होती, सुहावनी होती, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म. एट नून, दोपहर को क्या होता है कि टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड द हीट इज अनबियरेबल, तो जो हीट होती है अनबियरेबल हो जाती है, जिसको सहन करना मुश्किल हो जाता है. हाँ जी, आगे कहता है कि ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्ड अप, तो धीरे धीरे बादल बनना शुरू हो जाते हैं. रिजल्टिंग इन हैवी रेन इन द आफ्टरनून, तो दोपहर को बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है. इवनिंग एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल, तो जो इवनिंग होती है शाम होती है और नाइट्स होती है कंफर्टेबल होती है, ठीक है, कूल ठंडी होती है. तो वेजिटेशन की बात कर लेते हैं, तो वेजिटेशन इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, तो हॉट और ह्यूमिड रीजन होने के कारण गर्म और नमी भरा. ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली, तो ट्रीज तो दूसरे प्लांट जो होते हैं, ट्रीज और उसके साथ दूसरे कई प्लांट्स होते हैं, बहुत जल्दी से बढ़ते हैं यहाँ पे. द फॉरेस्ट हैव ए लार्ज वराइटी ऑफ ट्री, तो फॉरेस्ट में बहुत तरह के वराइटी के ट्रीज होते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टाल, तो उसमें से ज्यादातर ट्रीज जो होते हैं लंबे होते हैं. एंड फॉर्म ए डेंस कैनोपी एट द टॉप, तो टॉप पे ऊपर डेंस कैनोपी, एक घनी कैनोपी बनाते हैं, ठीक है. तो डेंस होती है घने, तो चैप्टर का नेम भी हमारे चैप्टर के नेम के बीच में भी डेंस आ रहा है. हाँ जी, चैप्टर के नेम के बीच में भी डेंस आता है ना, तो बोलता है कि लैंड ऑफ डेंस फॉर, तो डेंस होता है घने जो जंगल है, कि घने जंगलों वाली जमीन है, ठीक है. डेंस होता है घने, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा जंगल होते हैं उसको बोलते हैं घने. कैनोपी मैं आपको दिखाता हूं, पहले रीड कर ले. कहता है इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, तो कहता है इतने घने होते हैं कि इसके बीच में से सूरज की रोशनी भी नहीं निकल पाती. दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, तो ये फॉरेस्ट सारा साल हरे रहते हैं. एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है. दीज फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इट इज डिफिकल्ट टू पास थ्रू देम, तो इतने घने होते हैं जंगल के, इसके बीच में से आदमी निकल के नहीं जा सकता, इतने डिफिकल्ट है, तो बहुत डिफिकल्ट है इनके बीच में से निकल के जाना. इतनी जो डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो की होती है. हाँ जी, तो ये कैनोपी होती है कि ऊपर से अम्ब्रेला लाइक शेप सी बन जाती है, ठीक है. तो ये वाली, तो ये सभी ट्रीज बना के इस तरह शेप सी बना देते हैं ना जो वाली, तो इसको हम क्या बोलते थे, कैनोपी बोल देते हैं. हाँ जी, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ऊपर से देखो ये कैनोपीज बनी हुई है इसके, दिखाई दे रही है ना ये वाली, तो इतने घने होते हैं कि इसके बीच में से यहां से ऊपर से जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो सूरज की रोशनी नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती, तो इतने घने जंगल होते हैं कि सूरज की रोशनी को ऊपर ही बना के रखते, उसको जमीन तक पहुंचने नहीं देते, ठीक है. तो इसमें से निकलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है. हाँ जी, तो वाइल्ड लाइफ की बात कर लें. द फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, तो अमीर है वाइल्ड लाइफ में, यहाँ पे बहुत तरह के जानवर मिलते हैं. तो जिसमें पहली बात कर ले, पहले आ जाता है गोरिल्लाज आ जाते हैं, उसके बाद चंपेंजीज आ जाते हैं, मॉन्कीज आते हैं, बनोबस, ठीक है, एंड बैबून्स आर फाउंड हियर, तो ये यहाँ पे मिलते हैं बनोबस और बैबून्स. तो आगे कहता है कि मार्शी लैंड, मार्शी होता है दलदली इलाका सा होता है, ठीक है, तो वो लैंड को बोल देते हैं. मार्शी लैंड्स आर होम ऑफ हिपोपोटामियस, ठीक है, तो हिपो का जो होम है, ठीक है, हिपोटामियस के साथ राइनासोस और एलिफेंट का भी ये होम है, ठीक है. तो ये जानवर यहाँ पे मिलती है. द रिवर एंड लेक्स आर फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, तो जो रिवर है यहाँ की नदियां और जो झीलें हैं, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स एंड फिश से भरी पड़ी है. तो एलिगेटर्स होते हैं घड़ियाल, ठीक है, क्रोकोडाइल आपके मगरमच्छ हो गए. हाँ जी, आगे कहता है ओकापीस, ठीक है, ओकापीस
एंटीलोपस एंटीलोपस आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इटूरी, इटूरी जो है इटूरी के एरिया में, इटूरी के जंगल वाले एरिया में, यहाँ पे आपको ओकापिस और एंटीलूप्स भी मिलते हैं, ठीक है, तो इस एरिया में ये मिलते हैं। उसके बाद लॉइंस, चीताज, हाइना, जराफ, बफेलोज लिव इन द ग्रासलैंड, तो ये ग्रासलैंड जो घास वाले मैदान है वहां पे मिलते हैं ये आपको। उसके बाद आ गया हमारा पेलिकेंस, ठीक है, डक्स, ऑल्स एंड ईगल्स आर सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड हियर, तो ये कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। हाँ जी, तो सबसे ऊपर जो हमारा आ गया है बनबस, इस तरह के दिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा, इसके बारे तो आप सभी जानते हैं, हिप्पोपोटामस, ठीक है, तो ये हमारा रेनासोस आ गया, तो ये वहां पे कॉमन है। हाँ जी, तो क्रोकोडाइल, ठीक है, उसके बाद एलिगेटर्स जिसको घड़ियाल बोल देते हैं, ये वहां पे नदी और झीलों में भरे पड़े हैं। हाँ जी, तो ये ऊपर वाला जो है ये ओकापिस है, ठीक है, तो नीचे वाला ये वाला, इसको एंटी लूप्स बोल देते हैं, तो क्लियर है, एंटी लूप्स वो पिक्चर ली हुई है जो आपने नहीं देखी है। तो ये पेलिकेन्स है, ठीक है, तो ये जो बर्ड्स में आ जाते हैं पेलिकेन्स है। हाँ जी, तो आगे चेक पॉइंट आ गया, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ऊपर मैप में से वो जगहों के नाम दिए हुए हैं, कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्री, तो ऊपर मैप को देख के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वाइल्ड लाइफ की पिक्चर दी हुई है, द रिच वाइल्ड लाइफ ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की है, ये सारे जानवर दिखाए हुए हैं जो वहां पे मिलते हैं। हाँ जी, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस की बात कर लेते हैं, तो फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन है, तो फार्मिंग इनका मेन किता है, तो इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक रिसोर्सेस इनके, ठीक है, तो इसमें जो फार्मिंग इनका मेन किता हो गया। फॉरेस्ट्री, तो कीवर्ड है आपका, हाँ जी, तो फॉरेस्ट्री होता है प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्री, ट्री को लगाना, एंड टेक केयरिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट की देखभाल करना, इसका मतलब होगा कि पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करने का अभ्यास होगा। तो कैनोपी भी देख लेते हैं, कहता है कि मास ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस दैट स्प्रेड ओवर एन एरिया टू फॉर्म ए रूफ, तो कहता है कि जो मास ऑफ लीव्स होता है कि लीव्स एंड ब्रांचेस, तो पत्तियों और शाखाओं का एक समूह होता है, ठीक है, तो जो स्प्रेड फैला होता है ओवर एन एरिया टू फॉर्म ए रूफ, तो एक एरिया में फैला तो ऐसे लगता है कि जैसे एक छत बना रहा है, तो जिसमें मैंने डेंस फॉरेस्ट वाली पिक्चर देखी थी ना, तो मैंने दिखाई थी वो इस तरह छत सी बनी हुई लगती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होता है कि जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज आ जाती है इसमें, एंड सर्विसेज सेवाएं आ जाती है दैट पीपल नीड, जिसकी लोगों को जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल में बात कर लें स्कूल हो गया, मार्केट्स एंड हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये हमारे कीवर्ड थे। फॉरेस्ट्री के बाद फिशिंग आ गया एंड लाइफ स्टॉक रेयरिंग, फिशिंग होता है मछली पालना, लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता है कि पशुधन, लाइफ स्टॉक होता है पशुधन मतलब पशु पालना, ठीक है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग का मतलब हो गया पशु पालना। आर अदर ऑक्यूपेशन, तो दूसरे किते आ जाते हैं। लार्ज एरिया अंडर द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, तो बहुत सारा हिस्सा जो फॉरेस्ट के जंगलों के अधीन आ जाता था उसको क्लियर कर लिया गया है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। द मेन क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर, तो यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स है कल्टिवेट की जाती है वो राइस आ जाता है, उसमें मेज एंड कसावा आ जाता है, तो याद रखना राइस, मेज एंड कसावा इनकी मेन क्रॉप्स है। तो फार्मर्स आल्सो ग्रो मैनी कैश क्रॉप्स सच एज ए कोकोआ, तो इसमें जो फार्मर है बहुत सारी जो कैश क्रॉप्स मार्केट में बेचने वाली जो क्रॉप्स होती है उगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। तो कोकोआ आ गया, कॉफी हो गया, तम्बाकू हो गया, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम, तो ये कुछ फसलें हैं वहां पे उगाते हैं इसको मार्केट में बेचने के लिए। हाँ जी, तो ये हमारी कसावा है, इस तरह की होती है, रूट होती है ट्रीज की, तो ये मेन फूड है उनका। तो ये ऑयल पाम ट्री है, इस तरह का दिखाई देता है। हाँ जी, तो कहता है कि सम कैश क्रॉप्स आर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, तो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं कुछ फसलें। द मेथड ऑफ फार्मिंग, जो तरीका है फार्मिंग का ट्रेडिशनल पुराना ही एंड प्राइमेटिव आदि है, जो पहले से चलता आता है वही है।
तो द कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, तो कंट्री कहता है मिनरल्स में बहुत अमीर है, ठीक है। आगे कहता है द मिनरल्स फाउंड हेयर आर गोल्ड, यहाँ पे जो मिलने वाले जो मिनरल्स है उसमें गोल्ड आ जाता है, कोलबर्ट आ जाता है, कॉपर आ जाता है, उसके बाद कॉपर कैडमियम आ जाता है, उसके बाद पेट्रोलियम, डायमंड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टीन, यूरेनियम, आयरन और बॉक्साइड एंड कोल, ये यहाँ पे मिलने वाले जो प्रमुख हमारे कौन से हो गए, मिनरल्स हो गए। तो इसको आपने याद करना है। मोस्ट मिनरल्स आर एक्सपोर्टर, तो ज्यादातर जो मिनरल्स है एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बाहर भेजे जाते हैं। इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड, तो यहाँ पे इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के आधार पे, ठीक है, रॉ मटेरियल पे आधार पे लगी हुई है। जैसे ऐसी वैसी इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, कॉटन से कपड़ा बना दिया, शुगर केन से शुगर बना दी, तो इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित है। तो सम प्रोडक्ट साथ चाहे शूज हो गया एंड टेक्सटाइल, जो कपड़ा बनाने वाले वही आ गया, और मैन्युफैक्चर इन द सिटीज, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर बनाई जाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो शूज वगैरह और कपड़ा वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं इन द सिटीज, इन सिटीज में। तो लाइफ ऑफ द पीपल की बात कर लें, द कंट्री इज थिनली पॉपुलेटेड, तो थिनली होती है कम आबादी वाली, ठीक है, मींस की देश की आबादी बहुत कम है। मोस्ट पीपल लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस, स्कैटर्ड होता है कि बिखरे हुए, दूर दूर गांव में रहते हैं, ठीक है। सम पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्रीज, तो कुछ माइग्रेटेड होता है घर छोड़ के बाहर जाके काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो वो कहता है कि कुछ लोग घरों को छोड़ के खदानों और कारखानों में काम करने के लिए शहर चले गए हैं, ठीक है, अपने घरों को छोड़ के खदानों में काम करने के लिए, ठीक है, और कारखानों में काम करने के लिए शहर की तरफ चले गए हैं, माइन एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो कसावा और रूट क्रॉप्स हमने देख लिए, कसावा कौन सी थी, इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल, स्टेपल होता है मुख्य आहार है, ठीक है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में वीट है, कनक खाते हैं लोग, तो साउथ इंडिया में जो स्टेपल फूड है वो कौन सा है, राइस हो गया। तो ओवल आर इंडिया का जो स्टेपल फूड है राइस है, ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया का स्टेपल फूड वीट है, ठीक है। तो इसी तरह उनका जो स्टेपल फूड है वो कौन सा है, कसावा है। इट इज ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर, तो इसको क्या करते हैं, ड्राइड होता है सुखा लिया जाता है, तो पाउंडेड इनटू फ्लोर, उसके बाद उसको आटे में बदल लिया जाता है, जैसे कनक की पिसाई करते हैं हम, उसके बाद फ्लोर बना लेते हैं, आटा बनाते हैं, उसी तरह इसको भी बनाते हैं। दिस फ्लोर इज यूज टू मेक ब्रेड, तो इसीलिए जो फ्लोर आटा जो बनता है इसका, उससे ब्रेड बनाते हैं। फिश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट, तो जो फिश है, मछली है, इनकी डाइट का एक मुख्य हिस्सा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है इनकी डाइट का, मींस की फिश भी ज्यादा खाते हैं यहाँ के लोग। हाँ जी, तो यहाँ पे देख सकते हो फार्मिंग की पिक्चर है, कहता है कि फार्मिंग इज डन मैन्युअली इन DRS, तो यहाँ पे फार्मिंग हाथों से की जाती है सारी फार्मिंग। हाँ जी, कहता है कि बंटू पीपल्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन का बहुत संख्या, ठीक है, तो बंटू जो लोग है आबादी में बहुत संख्या है, यहाँ पे ज्यादा उनकी आबादी है। दे आर टाल एंड हैव कर्ली हेयर, तो वो लंबे होते हैं, तो उनके जो कर्ली हेयर होते हैं, घुंघराले बाल जिसको बोल देते हैं। दे स्पीक लैंग्वेज इज बिलोंगिंग टू द लार्ज बंटू लैंग्वेज ग्रुप, तो वह जो है ना बंटू भाषा समूह से संबंधित भाषाएं बोलते हैं, जो बंटू वहां की जो लैंग्वेज से समूह से रिलेटेड उसी तरह की भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, कि वह बंटू भाषा समूह से संबंधित भाषाएं बोलते हैं। दीज पीपल फॉलो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, तो ये ट्रेडिशनल जो पारंपरिक उनका लाइफस्टाइल है उनको फॉलो करते हैं। दे इंजॉय म्यूजिक एंड डांस, तो म्यूजिक एंड डांस को ये इंजॉय करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन, खास अवसरों के ऊपर, ओकेजन होता है मौके, अवसरों के ऊपर, दे वेयर कलरफुल ड्रेस, तो वे कलरफुल रंगीन ड्रेस पहनते हैं। वो आगे आ गया हमारा पैगमीज होते हैं, पैगमीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री, ओरिजिनल इनहेबिटेंट होता है यहां से शुरू से रहने वाले, यहां के निवासी हैं,
ठीक है। तो शुरू से जो रहने वाले ओरिजिनल इनहेबिटेंट यहाँ के निवासी हैं पैगमीज, ठीक है। तो दे आर नोन एज द बम्बूटी एंड एम्बूटी। तो इनको जो इनका इनको जाना जाता है बम्बूटी और एम्बूटी के नाम से भी, ठीक है। दे आर वेरी शॉर्ट एंड लेस देन 150 सेंटीमीटर टाल। तो इनकी जो लंबाई बहुत कम होती है, 150 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। तो इनकी जो लंबाई है कम होती है, 150 सेंटीमीटर से भी कम होती है। द यूरोपियन हु रूल्ड द कंट्री इन द पास्ट हैड ड्राइवन द पैगामीज इन टू द फॉरेस्ट वेयर दे लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। कहता कि जो अतीत में ना इनके ऊपर यूरोपियन जो थे लोग थे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। जब उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, अतीत में देश पर शासन करने वाले जो यूरोपियन लोग थे ना, उन्होंने जो पैगामी से यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे, जो जंगलों में से उनको खदेड़ दिया, निकाल दिया। जहां पे वो रह के क्या करते थे, शिकार करके या भोजन इकट्ठा करते थे। जिस तरह इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार किया हुआ था, ठीक है, उसी तरह इनके ऊपर भी कब्जा किया हुआ था, ठीक है। तो वो कब्जा करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जो जंगलों में ये रहते थे वहां से इनको निकाल दिया गया, ठीक है। जहां पे ये क्या करते थे, शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। द फ्यू पेगामीज हु स्टिल रिमेन लिव मोस्टली इन द एटूरी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो जो कुछ जो पैगामिस रहते हैं, ठीक है, स्टील जो रह गए हैं अब यहाँ पे अभी अब तक, तो वो ज्यादातर जो है एटोरी फॉरेस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ वहां पे रहते हैं। दे लिव इन हट्स, तो हट्स में झोपड़ियों में रहते हैं। एंड मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, तो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं वो। दे स्टिल लीड ए प्राइमेटिव लाइफ, तो वो पुरानी प्राचीन जो लाइफ है वही यहाँ पे बतीत करते हैं। तो ये उनके चाइल्ड है, बैम्बूटीज चाइल्ड यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बैम्बूटीज चाइल्ड है यहाँ पे, उनकी पिक्चर है। हाँ जी, तो ये आगे पिक्चर है, रिवर कांगो फ्लो थ्रू किनशासा, तो ये इसकी पिक्चर देख सकते हो। उसके बाद हमारा आ गया ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्ट। कहता है द कंट्री हैज ए पुअर लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पुअर है, ठीक है, उतना बढ़िया नहीं है। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ कंट्री हैव मेड इट डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड एंड रेलवेज एंड रोड। तो डेंस है, डेंस होता है घने जंगल होने के कारण यहाँ पे जो रोड्स है, ठीक है, और रेलवे है, रोड का जाल बिछाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, डिफिकल्ट है। बुल्ट रेलवेज का जा रेलवे की लाइनें बनाना, बिछाना और रोड्स बनाना यहाँ पे। तो ओनली सम पार्ट ऑफ द कंट्री हैव रोड्स एंड रेलवे, तो कुछ ही हिस्सों में कंट्री के रेलवे और रोड हैं बने हुए हैं। बट दीज आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, तो ये अच्छे से मेंटेन भी नहीं किए हुए हैं। द कंट्री हैज ए नेटवर्क ऑफ रिवर, तो कंट्री में रिवर का नेटवर्क है, ठीक है, तो रिवर है यहाँ पे बहुत ज्यादा। दस वाटर ट्रांसपोर्ट हैज बिकेम द चीफ मीन्स ऑफ ट्रेवल, तो मुख्य जो मीन्स ऑफ ट्रेवल बन गया है तो वाटर ट्रांसपोर्ट बन गया है, ठीक है, पानी के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप्स के द्वारा, ठीक है। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ का चीफ मीन्स ऑफ ट्रेवल बन गया है। तो एयर ट्रांसपोर्ट इज ए वेरी इफेक्टिव वे टू ट्रेवल इन दिस वास्ट कंट्री, तो कि सबसे जो इफेक्टिव वे है यहाँ पे जाने का तो वो एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो दिस वास्ट बड़ी जो कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री में, ठीक है, तो एयर जो सबसे इम्पोर्टेंट बन गया है, तो इफेक्टिव भी है, वेरी इफेक्टिव है, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा ऊपर से जाएंगे ना, जंगलों के सड़कें तो नहीं है, ठीक है। तो ये एक मुख्य जो इफेक्टिव जो है क्या बन गया है, वे बन गया है ट्रैवलिंग का। तो द कंट्री हैज मोर देन 200 एयरपोर्ट, तो पूरी कंट्री में 200 एयरपोर्ट है। तो दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर, तो ये सबसे जो तेजी से पॉपुलर होने वाला जो ट्रांसपोर्ट का साधन बन गया है एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट्स है, ठीक है। तो एरोप्लेन के द्वारा वहां पे जाना, हेलीकॉप्टर के द्वारा जाना, तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो पॉपुलर हो गया है यहाँ पे। हाँ जी, तो सिटीज की बात कर लेते हैं। अबाउट 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन
टाउन्स एंड सिटी। तो कहता है कि 30% जो जनसंख्या है यहाँ की तो वो टाउन्स और सिटीज में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कहता है कि किनशासा, किनशासा इज द कैपिटल ऑफ लार्ज सिटी। लार्ज सिटी की कैपिटल कौन सी है? किनशासा है। इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वनजीय और जिसको बोलते थे व्यापारक और औद्योगिक क्षेत्र भी है। ये किनिशका एक व्यापारक और औद्योगिक क्षेत्र भी है यहाँ पे। लंबुबासी, ठीक है, तो थोड़े नाम डिफिकल्ट है उसको बोले। लंबुबासी इज द मेन सिटी इन द मिनरल रिच रीजन है। तो यहाँ पे मेन सिटी है और मिनरल रिच, मिनरल से अमीर ये क्षेत्र है, रीजन होता है इलाका या क्षेत्र। अदर बिग सिटीज आर, इसके अलावा और जो बड़ी शहर हैं इसमें कंगना आ जाता है, कनंगा, सॉरी कनंगा, इसको क्या बोलेंगे, कनंगा आ गया। उसके बाद इसको बोलेंगे किशनगानी, इसको क्या बोलेंगे, किशनगानी। उसके बाद लिक्सो, लिकासी भी बोल सकते हैं, लिकासी। उसके बाद किकविट, किकविट, ठीक है। उसके बाद मेतादीज इज ए पोर्ट सिटी, पोर्ट बंदरगाह सिटी है, ठीक है, बंदरगाह यहां पे, ठीक है। थोड़े से नाम डिफिकल्ट है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। द कंट्री इज नॉट नाउ डेवलपिंग फास्ट, तो अब कंट्री तेजी से डेवलप कर रही है, नाउ अब होता है, तो द कंट्री इज नाउ डेवलपिंग फास्ट, तेजी से डेवलप कर रही है। मनी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट करके व्यापार करके जो मनी अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इज बींग यूज टू, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज टू द पीपल, लोगों की फैसिलिटीज, लोगों को फैसिलिटीज देने में उसका जो मनी आ रही है व्यापार के द्वारा उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज लोगों को। हाँ जी, क्विक रीकैप को देख लेते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। इट्स कैपिटल, जो इसकी कैपिटल का नाम है किनशासा, ठीक है, तो क्या है इनकी कैपिटल, किनशासा। रिवर कांगो इज द मेन रिवर है यहाँ पे। तो फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का किता है, मुख्य किता है फार्मिंग यहाँ के। मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन दिस कंट्री, तो इस कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इंडस्ट्री आर मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल, तो एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित इनकी इंडस्ट्री है, हमने देखा था। तो उसके बाद द कंट्री डज नॉट हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, तो जो कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट एज कॉन्स्टिट्यूट द बेंटूज, तो बेंटूज लोगों की मेजोरिटी है यहाँ पे, ठीक है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। दो पैगामीज और बेंटूज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, पहले से रहने वाले निवासी हैं इनके यहाँ के। तो किनशासा एंड लंबुबासी, लंबुबासी आर द बिग सिटी है यहाँ पे, मेतियादी इज पोर्ट सिटी है यहाँ पे। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये बैक एक्सरसाइज ये आपने खुद करनी है। हाँ जी, अगर चैप्टर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।